नमस्ते। अगर आप लोग साफ कर ले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये मत कीजिए जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि अपने मुंह से जहर को सक करना। ये सबसे स्टूपिड काम है, क्योंकि आप अपने मुंह को भी खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि आपके मुंह से जहर जो है पूरे आपके शरीर में फैल सकता है। दूसरी चीज क्या लोग करते हैं, आपको साफ करता है जहाँ पे क्या आइस लगाना शुरू कर देते हैं। हमें बर्फ नहीं लगाना है। तो अगर ये सब नहीं कर रहे तो क्या करना चाहिए जिससे हम लोग बचे? तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, जहाँ आपको सांप ने काटा है ये साबुन वाले पानी से थोड़ा इसे साफ कीजिए। साफ करने के बाद कपड़ा बांध लीजिए। अब कपड़ा ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, ऐसे कपड़ा आपको बांधना है जैसे इसमें कपड़ा में आपके फिंगर इसके अंदर जा सके। इसके बाद दूसरी चीज, तुरंत जहाँ भी है पहले एम्बुलेंस के पास फोन कीजिए और जल्दी से हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि आपको एंटीवेनम दिया जा सके। एंटीवेनम से क्या जहर कंट्रोल होता है। इसके बाद क्या कीजिए, आप लोग जब हॉस्पिटल में चले जाइए ना, लोग कितने क्या करने लगते हैं, भावा लोग के पास चले जाते हैं। देखिए जो भावा लोग झाड़ने वाले होते हैं, देखिए इंडिया में 450 किस्म के कैटेगरी के साथ पाए जाते हैं, इसमें से 5 या 6 ही जहरीले होते हैं। तो अगर ये 5-6 को छोड़ के अगर आपको काटा है कोई सांप तो ये भावा लोग झाड़ देंगे, पर ये अगर 5-7-6 में सांप में से कोई काटा है तो भावा लोग की क्या बच्ची फूल हो जाएगी। तो इसीलिए आप पहले क्या हॉस्पिटल में जाइए, आराम से बचिए। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट चीज, ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप घबराएंगे तो क्या ये जहर आपके पूरा शरीर में फैल सकता है। इसीलिए आपको घबराना मत नहीं है। एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आपने जिस समय सांप ने काटा है इस समय अगर आप लोग समय देख ले किस टाइम पे काटा है ये ठीक है, और अगर आपने सांप को देखा है इसका अपीयरेंस भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये सांप को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। ये सब अगर चीज करेंगे तो आप लोग मजा से सांप से काटने के बाद बच सकते हैं। देखिए कोई भी अगर सांप काटता है ना तो आपके पास 4 घंटा समय होता है। कोई भी सांप जो काटेगा ना 4 घंटा टाइम जरूर देगा आपको क्या बचने के लिए। इसीलिए 4 घंटे के भीतर आप लोग जो करना है जो कर लीजिए। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो ये वीडियो को कुछ सारा शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कोई भी शिकायत है हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है हमारे लिए क्या मोटिवेशन का काम करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।